जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ, वो नहीं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नए फ़ोन की अनबॉक्सिंग, जिसका नाम है वन प्लस 8 प्रो। तो ये रहा आप लोगों के सामने वन प्लस 8 प्रो का बॉक्स, जो कि पूरा है रेड कलर में। बस वन प्लस 8 प्रो 8 और साइड में वन प्लस, यही तीन चार चीज़ें हैं जो ब्लैक कलर में लिखी हुई है, बाकी पूरा रेड है। और ये चाइनीज़ वर्जन है, चाइनीज़ बॉक्स है, इसलिए इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको दिखेगी। दोनों साइड पर सील लगी है। तो चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। वैसे तो ऑलमोस्ट हर फ़ोन में सेम चीज़ें ही मिलती है हर फ़ोन के बॉक्स में, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को दिखाना, बताना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है हम लोगों को। तो जब तक हम लोग बॉक्स ओपन कर लेते हैं, मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। वन प्लस 8 प्रो में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ है। और इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक है 6GB रैम वाला और एक है 8GB रैम वाला, जिसकी अप्रॉक्स जो कॉस्ट है वो है 50K के अराउंड स्टार्टिंग। तो जी हाँ, ये है हमारा फ़ोन, इस पे भी आगे लिखा है वन प्लस। बाकी और चीज़ों पे हम आ जाते हैं। इसमें हमें स्क्रीन मिलती है 6.78 इंच की स्क्रीन, जो है फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। और पीछे से आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, हालांकि ऐसा डिज़ाइन नहीं है इस फ़ोन का, क्योंकि पीछे पन्नी है और पन्नी पे ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है। तो आप इस पे कन्फ्यूज़ ना हो कि डिज़ाइन ऐसा ही होगा, पीछे से एकदम प्लेन है। बाकी से साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। देखिए, इसके कवर पे लिखा है नेवर सेटल, तो वन प्लस कहता है कभी सेटल मत हो एक चीज़ पे। तो इसके अंदर देख लेते हैं हम क्या क्या मिलता है। ये कुछ इसके, एक तो सिम इजेक्शन टूल है जो ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई उसको सपोर्ट नहीं था। ये इसके कुछ यूज़र मैनुअल गाइड्स हैं, जो सारे के सारे चाइनीज़ लैंग्वेज में हैं। जी हाँ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो पहले आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखिए, उसके बाद इसे पढ़िए और फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है, उसके साथ बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये देखिए, इसमें वन प्लस का लोगो, नेवर सेटल, 800 स्मूथ, ये सारे चीज़ें लिखी हुई आई थिंक से स्टिकर है। बाकी इसके अलावा और हमें इसमें मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर, जिस पे भी लिखा है नेवर सेटल, ये देख सकते हैं आप। अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद हमें मिल जाती है एक टाइप सी केबल, जो रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है, जो कि ऑलमोस्ट वन प्लस का कलर ही यही है रेड। और ये हमें मिल जाता है अडेप्टर, ये आप देख सकते हैं चाइनीज़ अडेप्टर है, 30 वॉट का है, जो इनबॉक्स कंपनी ने कहा है इनबॉक्स 30 वॉट का चार्जर ये हमें प्रोवाइड करेंगे। बाकी फ़ोन के बारे में हम लोग आपको बता देते हैं। फ़ोन में हमें मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। जी हाँ, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ हमें फ़ोन डिवाइस मिलता है। तो पन्नी हटाते हैं हम लोग और देखते हैं इसके पीछे का क्या ऐसा ही डिज़ाइन है या प्लेन है। या आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वो पन्नी पे ही डिज़ाइन था। ये देखिए, ये है ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने इसे स्टार्ट कर लिया है, नीचे लिखा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड। जी हाँ, पीछे वन प्लस और वन प्लस का लोगो आप देख सकते हैं। वन प्लस का जो पुराने फ़ोन है और ये फ़ोन है, इन दोनों में जो है वन प्लस का लोगो और वन प्लस का जो फॉन्ट है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हाल ही में वन प्लस ने अभी अपने फॉन्ट और लोगो को चेंज किया था। हाँ, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं अब हम।
कुछ इसके टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी होगा आगे प्रोसेस। तो जब तक ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है तब तक हम और चीज़ें बता देते हैं आपको। इसमें हमें बैटरी मिल जाती है 4510 mAh की। वॉप का चार्जिंग अडेप्टर है, USB टाइप सी पोर्ट है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो सेटअप हो गया ऑलमोस्ट। इनबॉक्स हमने आपको बताया, 30 वॉट का अडेप्टर हमें मिल जाता है। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि अभी हम सेटअप करेंगे तो उसमें दिखाएंगे सेटअप करते हुए। और इसमें जो है डॉल्बी एटमोस साउंड का सपोर्ट दिया गया है, वो भी अभी हम आगे बताएंगे कि इसके स्पीकर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ये सेटअप कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखिए इसमें आप बता रहा है कि फिंगरप्रिंट को आप लगाइए, पहले लॉक लगाइए। तो लॉक हम लगा लेते हैं नॉर्मल। अगेन एंड देन फिंगरप्रिंट का मांग रहे कि अब फिंगरप्रिंट लगाइए, तो ये भी हम लगा लेते हैं और देख लेते हैं कितनी देर में फिंगरप्रिंट को एक्सेस करना स्टार्ट करता है। और ये हो गया डन। वंडरफुल वाइजार्ड, इसमें थीम है, अलग अलग दो थीम है, एक तो नेविगेशन के उससे है और एक नॉर्मल है कीज के उससे। तो हम नेविगेशन पे क्लिक करके ओके किया है। ये दिखा रखा है कि बैक होम एंड रिसेंट में कैसे जाएं। तो अब ये बता रहा है हमें किस किस तरीके से करना है। ऐसे करेंगे तो बैक हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो होम पे पहुंच जाएंगे, और ऊपर करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो हम लोग रिसेंट पे आ जाएंगे। जो भी हमने एप्लीकेशंस खोली हुई है वो सब दिख जाएगा। तो सेटअप हो चुका है कंप्लीट, डिवाइस हो चुका है ऑन। तो चलिए इसकी सेटिंग में आते हैं और आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है, यह 128 GB का वेरिएंट जिसमें 23 GB अभी भरी हुई है। वो पूरा जो भी वन प्लस का सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम, उन सब से भरा रहता है। कैमरे का भी हम रिव्यू करेंगे अलग अलग फ़ोन के साथ, अभी तो सिर्फ अनबॉक्सिंग हम लोग देख लेते हैं। देखिए दो साउंड, दो स्पीकर है, एक बॉटम पे और एक टॉप। आगे इन स्क्रीन कैमरा है जो कि 16 MP का फ्रंट कैमरा है इन डिस्प्ले। नीचे देखिए सिम इंजेक्शन टूल है, पावर USB का है, टाइप सी पोर्ट, पीछे चार कैमरे मिल जाते हैं हम लोगों को, जिसमें है 48 MP के दो कैमरे, एक 8 MP का और एक 5 MP का विद 12 फ्लैशलाइट के साथ। साथ में हमें बम्प भी अच्छा खासा मिल जाता है इस फ़ोन में। आप देखिए आपको खुद लगेगा कि हाँ बम्प काफ़ी ज़्यादा है इस फ़ोन में। देखिए साइड से इसको टेबल पर रख के हम लोग दिखाते हैं, देखिए। तो इसको आप प्रॉपर कवर करके रखिए, कवर उसके बराबर का होना चाहिए ताकि इस पर स्क्रैच ना पड़े। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसका जो कैमरे का बम्प है उसको थोड़ा सा संभाल के रखें। बाकी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और सब्सक्राइब करना ना भूलें।